जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ, यहाँ आप जानेंगे आप अपने हरियाणा शहर के मौसम का ताज़ा हाल। जी अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जी अगर आप हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा रिपोर्ट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। या चलिए शुरू करते हैं हरियाणा मौसम समाचार। कि हम आपको बता दें, हरियाणा में 5 अगस्त तक कुछ जिलों में तेज़ बारिश की आसार, बनेगी जलभराव की स्थिति। जी हाँ, अभी तक हरियाणा में बारिश नहीं हो रही की बात सुनाई दे रही थी, मगर अब झमाझम लंबी बारिश से जलभराव की स्थिति के बाद लोग कह रहे हैं यह कब रुकेगी, मगर अभी राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि जिन जगहों पर नहरी पानी की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है या कम, वहाँ फायदेमंद रहेगा, मगर जहां पानी की मात्रा ज़्यादा है वहां बारिश की फसलें खराब हो रही हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की ओर गंभीर रूप ले सकती है। यही कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मेवात, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व रोहतक में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस येलो अलर्ट की माने तो यहाँ 5 अगस्त तक तेज बारिश के साथ तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अपने आप को इस समस्या से बचा कर रखें। जहां भी अत्यधिक बारिश से जलभराव की स्थिति सामने आए, प्रशासन को सूचित करें। अभी हरियाणा के कई गांवों और खेतों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और फसलें खराब हो रही हैं। कुछ जगहों पर बारिश से कई नुकसान हुआ है। हम आपको बता दें, NCR क्षेत्र में पहले से ही अधिक बारिश हो चुकी है, अब दोबारा बारिश हुई तो यहाँ हालात खराब हो सकते हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है। इसी के लिए हिसार में पिछले दिनों बारिश से शहर के कई सेक्टरों में बारिश से जलभराव हो गया और गांवों में लोगों के कमर तक पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों को खेतों में दिक्कत हो रही है। पावड़ा, नारनौत, कावास, बरवाला के कुछ गाँव में काफी अधिक पानी भर गया है। हिसार जोन के जिलों में ग्रीन अलर्ट है, पर यहाँ अधिक बारिश की संभावना नहीं है, मगर हल्की बारिश कभी भी हो सकती है। शनिवार को जहां धूप निकलने से गर्मी बढ़ गई थी, तो रविवार सुबह से ही मौसम में परिवर्तन हो गया। सुबह से ही बादलों से आसमान घिरा हुआ और ठंडी हवा ने मौसम सुहावना बनाया हुआ है। वहीं मौसम विज्ञानियों की माने तो हिसार में अगले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। हिसार में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी भरा हुआ है, प्रशासन इस पानी को निकालने का इंतजाम नहीं कर रहा है। कुछ गाँव में तो घरों में दरारें आ गई हैं। जी हाँ, ये थी हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा रिपोर्ट। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।